गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. नाउ टेक आउट योर मैथ्स टेक्स्ट बुक. ओके, टेक आउट योर मैथ्स टेक्स्ट बुक. नाउ ओपन योर बुक स्टूडेंट्स एंड टेक आउट द पेज नंबर 88. टेक आउट द पेज नंबर 88. इन दैट यू हैव टू सी इन योर राइट साइड ऑफ योर पेज. ओके, सो पेज नंबर 89. ओके, रीड द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. If A, B and C are three points on a line such that AB is equal to 5 cm, BC is equal to 3 cm and AC is equal to 8 cm, which one of them lies between the other two? Means ये जो AB is equal to 5 cm दिया है, BC is equal to 3 cm दिया है और AC is equal to 8 cm दिया है, उससे हमें ये पता चलेगा कि ये कौन सा जो पॉइंट है वो जो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना. तो चलो अब रूलर का यूज़ करके हमें इसको करना है मेजर. वेर इज़ योर स्केल? स्केल मीन्स दिस वॉट मीन्स रूलर. ओके, तो स्टूडेंट्स आप अपना स्केल राउंडर लेकर ही बैठा करो. ओके, अब देखो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं. ए बी लेना है हमें 5 सेंटीमीटर. देखो ये आपको राउंडर लेना है और पेंसिल भी ऐसे इसे प्रॉपर करने के बाद ये जो ये ज़ीरो से दिख रहा है ना आपको, ज़ीरो से पहले 5 पे आप पॉइंट रखना है. ठीक है, 5 पे पॉइंट रखने के बाद 0 तक लेकर जाना. ठीक है, ऐसे. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, ए बी क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी हमारा जो है 5 सेंटीमीटर है, हम इस पॉइंट पे ऐसे रख के 5 सेंटीमीटर पे ऐसे आर्क बना देंगे. ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, आर्क. ओके, अब बी सी क्या है स्टूडेंट्स आपका 3 सेंटीमीटर, और इसमें से जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर को हम ऑलवेज नीचे रखेंगे. देखो 8 सेंटीमीटर को हम नीचे की साइड रखे ऐसे. ठीक है, 8 सेंटीमीटर तक मैंने लाइन खींच दिया और इसे नाम दे दिया है ए और सी. उसमें से ए बी भी हमारा हो ही चुका है जो है 5 सेंटीमीटर. अब बी सी कितना है हमारा, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर पे ऐसे पॉइंट रखना है. देखो 3 सेंटीमीटर पे ऐसे पॉइंट रखना है और ये ज़ीरो तक ऐसे रखना है. ठीक है, अब यहाँ से करके ऐसे आर्क बनाना है, ऐसे ऐसे बनाया. अब 5 सेंटीमीटर वाला जो था उसको भी एक और बार कर लेते हैं क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो नहीं रहा है, जस्ट लाइक दैट. देखो इसको हमें कैसे भी करके ना स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट करना है ताकि कि हमें एक प्रॉपर विजन मिल सके. तो ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है सी. सो ए, ये बी जो पॉइंट पे है ये इंटरसेक्ट हो रहा है. ओके, या तो आप ऐसे बना सकते हो, या तो इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है ना उसको हमें 3 सेंटीमीटर रखेंगे, फिर देन एक को हम 5 सेंटीमीटर ऐसे रखेंगे, देन एक को 8 सेंटीमीटर तक रखेंगे. ओके, समझ आया? सो स्टूडेंट्स इसमें कौन सा नंबर बीच में आ रहा है, देखो ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर. देखो दो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, एक तो सी, सी 2 times रिपीट हुई, तो इसमें आएगा सी इज lies between other two. ओके, समझ आया? अब क्वेश्चन नंबर 5th, वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी. ए जी का क्या मिड पॉइंट है, देखो ये जो हमें मिला है ना उसी में से ही बताना है. ठीक है, वेरीफाई करना है कि D जो है A और G का मिड पॉइंट है. देखो A ये रहा, G ये रहा, ऑब्वियसली मिड पॉइंट ही है. क्यों, देखो इसके 2 पॉइंट के बाद और इधर से भी 2 पॉइंट के बाद ही डी बीच में आ रहा है, इस वजह से ये है, यस इट इज़. ओके, ये वेरीफाई हो चुका है. ओके, नाउ 6th one, इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी,
वेर ए बी सी डी लाई ऑन स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर बी ए सी का मिड पॉइंट है, ए और सी का मिड पॉइंट है बी, और बी डी का एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सॉरी सॉरी स्टूडेंट, ए और सी का मिड पॉइंट है बी और बी डी का मिड पॉइंट क्या है सी, तो ए बी सी डी क्या हो रहा है स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। ऑब्वियसली बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि इन लोग क्या आ रहे हैं एक ही लाइन में आ रहे हैं इस वजह से। ओके सो स्टूडेंट्स, ये बस समझने के लिए, वेरीफाई करना आपको ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में पूछेंगे ऐसा। सो सी दिस वन, सेवेंथ वन, ड्रॉ फाइव ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स ईच इन चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ऑब्वियसली इनका जो लेंथ जो होता है हमेशा थर्ड साइड क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। तीनों साइड मोस्टली अगर आप ट्राइंगल बनाओगे तो तीनों साइड्स क्या आएंगी, इक्वल ही आएंगी। ओके अगर आप खुद से बना रहे हो तो वो इक्वल आएंगे, अगर टेक्स्ट बुक में बोला गया है कि इसका इतना सेंटीमीटर लेना है इतना सेंटीमीटर लेना है तो साइड्स क्या होती है इक्वल तब नहीं आएंगी। और अगर आप खुद से ड्रॉ कर रहे हो कोई भी ट्राइंगल तो ऑब्वियसली उनकी साइड्स क्या आएगी, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 7। इसमें से क्वेश्चन 5 और 6 जो है ना आपको इसी का ही ऐसे मिड पॉइंट बना के ही प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, बस आपको ऐसे डायग्राम बना देना है, देन उसके बाद ऐसे लिख देना है इट इज बिटवीन द ए एंड जी सो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड जी ऐसे करके। ओके सो स्टूडेंट्स सी दिस इज योर होमवर्क और ये आपको सी डब्ल्यू में करना है। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर है 89। ओके सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।